हैप्पी जन्माष्टमी। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी और देखिए आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है और भी बहुत तेज की बारिश हुई है। और खाना गई थी स्कूल तो वो आई तो मैं उसे लेने जा रही थी पर छतरी नहीं थी तो वो गीली होके आई है। खाना की तरह देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है, लाइट चली गई है और ये आ गई है। उसके बाद इसे मैंने नहलाई, गीली हो गई थी। पराठा वो है ना उसमें टिफिन। हैप्पी जन्माष्टमी बोलो पहले। हैप्पी जन्माष्टमी हैप्पी जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी। और हमारी खनक ने आज पहन के गई थी परी फ्रॉक जो गीली हो गई है। परी फ्रॉक ही है वो भी, तो वो गीली हो गई और खनक ने आके फिर नहा ली फिर से और अपना लंच भी कर रही है। लंच लेकर गई थी करी नहीं। और आ जाइए हमारे यहाँ हनुमान जी की टोली, तो चलो आपको दिखाते हैं। तो वो देखिए फ्रेंड्स एक की दिख रहा है, अभी काफ़ी सारे आए थे और घूम रहे थे यहाँ से। तो वो देखिए उछल कूद कर रहे हों और कम से कम नहीं तो 20-25 से भी ऊपर थे, लेकिन अभी नहीं दिख रहे हैं, चले गए शायद। मैं कैमरा मोबाइल लेने अंदर गई तो वो उधर पे है, दूसरी बिल्डिंग पे सारे नाच रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज मैंने पूरी किचन मैंने थोड़ा बहुत सफाई की थी, बेडरूम पूरा मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की थी पर पूरे नीचे से पूरा सफाई की, वहाँ से पूरा किचन में सेट की बर्तन सामान जो देखिए अस्त व्यस्त थे। और लाइट नहीं है, मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि लाइट आए तब मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ, लेकिन लाइट आने का नाम नहीं है। तो मैंने सोचा चलो यहीं ऐसे ही बनाती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने सेट किया हुआ है पूरे अच्छे से किचन, और लाइट आएगी तो कल के ब्लॉग में दिखा दूंगी फिर। और मैं सोचा आज करी हूँ, फिर ऐसा बिखर जाता है तो दिखा नहीं पाते। भाई देखो तोड़ दो उसको, तोड़ो पर्दे पे झूल रही है। तो अभी नहा के आई तो तैयार नहीं हुई, इसको तैयार भी करना है। और चलिए बेडरूम दिखाती हूँ। नहीं आज छुट्टी है तो यहाँ देखिए इधर पे ये टिफिन इसका रखा है, ये भी आई है। तो और अभी मैंने पूजा वूजा कुछ नहीं की क्योंकि मेरा फास्ट नहीं है, तो मैंने पूजा नहीं की हूँ। सोच रहे हैं मंदिर घूम के आएंगे, दर्शन करने चले जाएंगे, अगर खनक के पापा आते हैं तो फिर हम जाएंगे आज मंदिर घूमने के लिए। कृष्ण मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, सगरा मंदिर, यहाँ एक ऐसा मंदिर है वहाँ सब भगवान है, शंकर जी, राधा कृष्ण, राम, सीता और दुर्गा जी, सभी प्रकार के मंदिर। तो वहाँ जाएंगे तो सारे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। आप बनी थी कहाँ? मैं राधा बनी थी। और कृष्ण कौन बना था? कृष्ण लड़का बना था। अच्छा, ओए ओए स्कूल गई थी आज ये राधा बनने, राधा बन के आई। फिर मैडम ने वीडियो नहीं बनाई हमको, बता देते कैसी। हम आपको खनक की अभी फ्रॉक दिखाएंगे जो वो पहन के गई थी, बाहर सूख रही है, फिर दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ से देखिए मैंने किचन ये सेट किया था और यहाँ से ये बढ़िया से, क्योंकि मैं अभी गई थी घर ना तो पूरा किचन ऐसा अस्त व्यस्त हो गया था, कुछ चीज़ें ही नहीं मिलती थी। तो फिर आज मैंने सफाई भी की और साथ साथ में थोड़ा सा सेट भी कर दी ताकि चीज़ें अच्छे से रखी रहे तो मिल जाती हैं। और यहाँ पे ये प्याज थी तो इसको भी अच्छे से साफ करके और रख दी हूँ, और यहाँ की भी मैंने एक प्याज निकाल ली हूँ तो जगह खाली हो गई है। तो इस तरीके से और यहाँ पे भी ये सारा सामान अच्छे से सेट कर दी हूँ। और अभी इधर की सफाई नहीं हुई है, इधर और बर्तन रखे हुए साफ करने के, काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं बस। तो खाना अभी बना है, चावल बनाई हूँ, सब्जी बनाने की है तो चलिए मैं फटाफट बना लेती हूँ। तो फ्रेंड अभी बज गए 3:30 और अभी लाइट आई है, थोड़ी देर हुआ है लाइट आई है और इसने देखिए पूरा घर में फैलाना शुरू कर दिया है। वो पिछले साल की आम की जो खटाई होती है ना वो है, तो मैंने सूखने डाली थी और अचानक से इतनी तेज़ बारिश हुई और अभी कितनी अच्छी धूप निकल आई है, धूप निकल गई है, समझ में नहीं आ रहा कैमरा में। और खनक की फ्रॉक मैंने सूखने डाली हूँ बाहर, सूख रही है, वहाँ डाल दी हूँ। और अभी क्या बता दूँ, फ्रॉक दिखा दी ना, हाँ पूरी गिल्ली होके आई थी, सामने गेट पे खड़ी थी पर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और छतरी भी नहीं थी तो मैं नहीं गई लाने के लिए, तो ये भाग के आ गई वहाँ से। मैं नीचे तक गई तो मैं भी गीली हो गई थी पर मैंने थोड़ा थोड़ा ढक लिया था और फिर इससे मैंने नहलाई, बोली बता दो तो इसलिए बता दी। अब कपड़े रहे फोल्ड करना है, वो इतने सारे पड़े हुए
तो फ्रेंड्स, आज है कृष्ण जन्माष्टमी और आज ही की रात में यानी 1 बजे की रात में मेरे भाई के यहाँ बहुत बड़ी खुशखबरी हुई आई है। यानी उनके घर में खुद कृष्ण जी पधारे हैं, यानी उनके घर बेटा हुआ है। तो हमें दो दो खुशी है, आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है और भाई के घर बेटा हुआ है तो कान्हा उनके घर भी है। तो इसलिए बहुत यानी हम वैसे ही बहुत खुश हैं। अभी हमें उनकी फ़ोटो वीडियो कुछ देखने को नहीं मिले, सिर्फ हमें कॉल में पता चला है कि बेटा हुआ है और अभी वो ठीक है, सब अच्छे हैं, पर अभी फ़ोटो वोटो नहीं लिए हैं। तो मैं आप लोग के साथ बाद में ज़रूर शेयर करूंगी। और हम सब बहुत खुश हैं कि जन्माष्टमी के दिन उनके यहाँ बेटा आया है, बेटा या बेटी जो भी आया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आया है और सब बहुत खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं। तो यही सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी है, दो दो गुड न्यूज़ है, यानी कि खुशखबरी है कि आज ही के दिन कृष्ण जी का भी जन्म हुआ और आज ही के दिन उनके घर भी बेटा हुआ, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो यही आप लोग के साथ शेयर करना था मुझे। तो फ्रेंड्स, हम थे बन ठन के तैयार बाहर जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि पानी ने भी धोखा दिया और खनक के पापा ने भी, ये दोनों ने मुझे जाने नहीं दिया। तो हम हैं घर में और घर में बनाएंगे खाना और खाएंगे। तो सब्जी यहाँ पर रखी हुई है और चावल है, अभी बनाएंगे। और इधर चल रही है खाना और उसकी फ्रेंड की खेल। तो ये देखिए, यहाँ पे लगी हुई है अपनी खेल खेलने में और ये अपना खेल भी रही हैं और आर्गुमेंट्स भी कर रही हैं कि हम बेस्ट है, ये अच्छी है कि ये अच्छी है, पता नहीं कौन अच्छी है, मेरे को नहीं पता। ए बाय कर दो, बाय करो, इधर देखो, बाय, गुड नाइट। इस वीडियो का हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।